हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप सब अच्छे हैं। हम अपने गोवा सीरीज से डे टू का सामरी आपके साथ आज शेयर करेंगे। डे टू एक्चुअली काफ़ी बड़ा था, तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर चुके हैं। तो पहला पार्ट आज शेयर करेंगे। दिन का शुरुआत हमने किया था डॉल्फिन टूर से। डॉल्फिन टूर काफ़ी एक्साइटिंग था। हमने बोट जेटी से शुरू किया था, जो हमारे होटल से ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स की दूरी पे था, नियर सिंक्वेरियम बीच। एज पार्ट ऑफ द बोट राइड आपको सेंट्रल जेल गोवा का बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेगा। एज यू कैन सी ऑल्सो यू विल गेट ए ग्लिम्स ऑफ द पैलेस ऑफ डायमंड मर्चेंट जीनी। इस ट्रिप में हमें डेफिनेटली डॉल्फिन देखने को मिला था, और हम आपके लिए कुछ स्टील्स यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। होप यू एंजॉय। पर पर्सन हमें 300 रुपीज़ पे करना पड़ा था इस ट्रिप के लिए। दिन का शुरुआत बहुत अच्छा हुआ था इस ट्रिप के साथ। यहाँ पे करीब करीब 45 मिनट का सफारी होता है, जो आप बहुत इंजॉय करेंगे। इसके बाद हम एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट गोवा का फोर्ट अगोरा में गए थे। दिल जाता है फिल्म का शूटिंग हुआ था, जो आपको शायद पता भी होगा। ये 360 डिग्री व्यू हम दिखा रहे हैं अगोरा फोर्ट का। यहाँ से भी अरब सागर की बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलता है। आप खुद ही देखिए जो हमने कैप्चर किया है यहाँ पर। इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ अरब सागर। फिर हम कैंडोलिम बीच के तरफ गए थे, जो भी काफी नजदीक था अगोरा फोर्ट से। यहाँ पर हमने नारियल पानी पी किया था, तो 40 रुपये पर पीस पड़ा था। कैंडोलिम बीच बहुत साफ सुथरा बीच है गोवा का, स्पेशली नॉर्थ गोवा का। यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ भी होते हैं, जो आप ट्राई कर सकते हैं। खूबसूरत नज़ारे हैं बीच का। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।